नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे अधिगम के विषय में अधिगम क्या होता है ठीक है ना वट इज लर्निंग अक्सर कर अधिकतर विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन सीखना क्या होता है ये हम लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं तो लर्निंग क्या होता है आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो आज हम अधिगम क्या होता है वट इज़ लर्निंग ठीक है ना ये हम डिस्कस करेंगे आखिर लर्निंग क्या होता है तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा देखो हम जो इंसान हैं और इस प्रकृति में बाकी के जितने भी जीव जंतु हैं तो एक बात तो यह समझना कि अधिगम केवल इंसानों को ही नहीं होता है अधिगम बाकी के जीव जंतुओं को भी होता है ठीक है प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको भी क्या होता है अधिगम होता है ठीक है ना तो ये अधिकम होता क्या है इससे पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी देखो हमारा मन है मन क्या होता है हमारा जो ये मस्तिष्क है इसके अंदर एक विशिष्ट ऊर्जा है एक बहुत एक एनर्जी है कॉस्मिक एनर्जी जो एनर्जी हमारे पूरे शरीर की क्रियाओं का क्या करती है संचालन करती है नियंत्रण करती है उस एनर्जी को हम कहते हैं मन इस मन की खोज दुनिया में सबसे पहली बार एरिस्टोटल ने की अरस्तु ने की इसलिए एरिस्टोटल को अरस्तु को इस मन का फादर एंड फाउंडर माना जाता है और अरस्तु ने इस मन को ग्रीक भाषा में नाम दिया साइकी इस साइकी को ही इंग्लिश में कहते हैं माइंड तो माइंड साइकी और मन एक ही बात है और इसकी खोज किसने की एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने जो एक यूनानी दार्शनिक थे अब बात ये आती है कि क्या अरस्तु से पहले भी लोग मन के बारे में जानते थे तो अगर हम देखेंगे अरस्तु का समय चौथी शताब्दी ईशा पूर्व के आसपास का है और हमारा जो भगवत गीता का जो दर्शन है वो उससे भी पहला है पुराना है तो भगवत गीता में भी जो बात श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है वो सारी बात मन से रिलेटेड ही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये आधा सत्य है कि अरस्तु ने मन की खोज सबसे पहली बार की मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय दर्शन में ऐसे बहुत से मनीषी बहुत से विद्वान रहे और योगेश्वर कृष्ण तो रहे ही जिन्होंने मन की खोज मन को समझा और उन्होंने जो है मन को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए अर्जुन को गीता का दर्शन दिया ठीक है तो मन क्या है मन एक ऊर्जा है एक एनर्जी है जो हमारे इस पूरे के पूरे शरीर की हर क्रिया को क्या करती है कंट्रोल करती है इस मन को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं यानी कि ईश्वर ने जो मानसिक शक्ति दी है उस मानसिक शक्ति को मन को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं एक ऐसी मानसिक शक्ति जिस पर हमारा खुद का नियंत्रण है यानी जिस मानसिक शक्ति को हम चाहें तो अपने नियंत्रण के अनुसार उसको यूज कर सकते हैं और एक ऐसी मानसिक शक्ति जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है वो ऑटोमेटिकली काम करती है स्वतः काम करती है स्वाभाविक रूप से काम करती है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ठीक है ना तो जो एनर्जी जो मन को हम खुद कंट्रोल करते हैं उस एनर्जी उस मन को हम कहते हैं चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको कहते हैं अचेतन मन यानी अनकॉन्सियस माइंड अनकॉन्सियस माइंड का मतलब हुआ माइंड का ऐसा पार्ट मन एक ऊर्जा है ध्यान रखना मन कोई आकार नहीं है जिस प्रकार से ईश्वर का कोई आकार नहीं है ठीक है जिस प्रकार वायु का कोई आकार नहीं है जिस प्रकार जो इलेक्ट्रिसिटी है लाइट जो आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी इसका कोई आकार नहीं है ठीक उसी प्रकार से मन का भी कोई आकार नहीं है ठीक है ना तो मन एक एनर्जी है मन एक ऊर्जा है है ठीक ना और इस ऊर्जा का वो भाग जिसको हम नियंत्रण में रखते हैं वो चेतन मन और इस ऊर्जा का वो भाग जो हमारे नियंत्रण में नहीं है वो अचेतन मन ठीक है ना अब जो चेतन मन है मन पूरा अगर देखें किसी भी इंसान के अंदर तो वो सौ परसेंट है ठीक है उस हंड्रेड परसेंट में से टेन परसेंट जो माइंड है वो कॉन्सियस है, चेतन है और 90% परसेंट जो माइंड है वो यानी अचेतन है तो चेतन मन पूरे मन का दस परसेंट होता है और अचेतन मन मन जो है वो पूरे नब्बे परसेंट हिस्सा होता है ठीक है ना चेतन मन जो होता है इस पर हमारा खुद का कंट्रोल होता है हम चाहे तो उसको नियंत्रित कर सकते हैं हम चाहे तो उस, उसके उसको जो है ठीक है ना उससे काम कर सकते हैं लेकिन जो अचेतन मन है इस पर किसी इंसान विशेष का कोई कंट्रोल नहीं होता है अनकॉन्सियस ठीक है माइंड यह रहता है अब आप समझेंगे इस शरीर में जो कुछ भी क्रिया हो रही है इस शरीर में जो कुछ भी क्रिया हो रही है अभी मैं बोल रहा हूं यह भी क्रिया है मैं ये हाथ हिला रहा हूं यह भी क्रिया है आप मुझे सुन रहे हैं सुनना भी एक क्रिया है जो भी क्रिया इस शरीर में हो रही है वो एक क्रिया है ठीक है ना और ऐसी क्रिया जो मन के द्वारा नियंत्रित है क्योंकि यह मन है और ऐसी क्रिया जो मन के द्वारा नियंत्रित है उस क्रिया को दोस्तों हम कहेंगे व्यवहार बिहेवियर ठीक है ना तो व्यवहार क्या होता है कि किसी भी प्राणी के ये बात ध्यान रखना केवल मनुष्य में ही व्यवहार नहीं होता है दुनिया का जितने भी प्राणी जगत है जंतु जगत है उन सब में व्यवहार होता है तो किसी भी प्राणी के मन के नियंत्रण में यदि उसकी क्रियाएं हैं तो ऐसी क्रियाएं जो मन के द्वारा इफेक्टेड होकर हो रही हैं वो क्रियाएं क्या कह व्यवहार और इस व्यवहार को ही गीता दर्शन में दोस्तों कहा गया है कर्म हम कहते हैं ना कर्म तो कर्म क्या है कि किसी भी इंसान के मन में जो थॉट चल रहे हैं जो विचार चल रहे हैं उन विचारों के अनुसार जो क्रिया हो रही है वो क्रिया ही हमारा कर्म या व्यवहार है ठीक है ना एक बात और मन एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा के अंदर हमारे अंदर क्या चलते रहते हैं विचार थॉट चलते रहते हैं बहुत सारे विचार हमारे मन में जो है प्रवाहित होते रहते हैं ठीक है ना जिस समय समय जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस समय जो मेरा विचार चल रहा है जो विचार अभी मेरे चल रहा है मेरा ध्यान वही है बात समझ में आई ध्यान क्या है जैसे एक टेलीविजन होता है उसमें हजारों चैनल होते हैं लेकिन स्क्रीन पर अभी जो चैनल जो जो प्रोग्राम चल रहा है तो वो उसकी फ्रंट लाइन पर है तो समझो उस टेलीविजन का ध्यान वही है ठीक उसी तरह से हमारे मन में करोड़ों विचार है और उन विचारों में से अभी जो हम सोच रहे हैं उस विचार पर हमारा ध्यान है हमारा है हमारा कंसंट्रेशन ठीक तो अटेंशन भी ना इससे जुड़ा हुआ है लेकिन ध्यान एकाग्रता इसकी डिस्कशन हम आगे करेंगे आज हमारा जो मेन टाइटल था वो लर्निंग था ठीक है ना लर्निंग में मन के बारे में और बिहेवियर के बारे में बताना आपको थोड़ा कंपलसरी था जरूरी था इसलिए चीज मैंने आपको बताई तो अधिगम यानी कि लर्निंग क्या होता है कि हर व्यक्ति का मन होता है मन के अंदर तमाम विचार चल रहे होते हैं और जब मन के विचारों के अनुसार व्यक्ति की क्रिया होती है उस क्रिया को हम व्यवहार कहते हैं ठीक है ठीके? अब मन दो तरह का होता है मन दो होता है चेतन मन और अचेतन मन ठीक है ना मैंने कहा कि चेतन मन पर व्यक्ति का कंट्रोल होता है अभी मैं जो बोल रहा हूं उस पर मेरा नियंत्रण है मैं चाहूं तो रोक सकता हूं मेरी आवाज को ठीक है ना तो ये जो है चेतन मन के द्वारा हो रहा है लेकिन पलकों का झपकना सुबह में ब्रेकफास्ट लिया था वो ब्रेकफास्ट अभी डाइजेस्ट हो रहा है शरीर में वो अचेतन मन का काम है मेरी पलकें झपक रही मेरी श्वसन क्रिया चल रही मेरा हार्ट बीट हो रहा है तो शरीर में जो क्रियाएं स्वयं स्वतः अपने आप स्वाभाविक रूप से हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है अचेतन मन के द्वारा बात समझ में आई तो शरीर में होने वाली वो क्रियाएं जिन पर हमारा खुद का नियंत्रण है वो चेतन मन से हो रही है और शरीर की वो क्रियाएं जिन पर हमारा खुद का नियंत्रण नहीं है वो अचेतन मन से हो रही हैं बात समझ में आई अब हमारा जो व्यवहार है यह भी दो तरह का हो गया एक तो चेतन मन के द्वारा होने वाला व्यवहार ठीक है ना और एक अचेतन मन के द्वारा होने वाला व्यवहार अब अचेतन मन के द्वारा होने वाला व्यवहार स्वयं स्वतः स्वाभाविक होगा क्योंकि अचेतन मन पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है ठीक है ना और चेतन मन पर हमारा कंट्रोल है इसलिए चेतन मन वाले व्यवहार के लिए हम खुद जिम्मेदार रहेंगे बात समझ में आई तो व्यवहार जो है वो चेतन मन से भी होता है और अचेतन मन से भी होता है ये बात आपको समझ में आई ठीक है ना ओके अब यह व्यवहार जो होता है ना ये समय के साथ बदलता रहता है ठीक है ना समय के साथ परिवर्तित होता रहता है आज जैसा मेरा बिहेवियर हो सकता है चार घंटे बाद वो अलग तरह का हो जाए हो सकता है कि आठ घंटे बाद वो और डिफरेंट हो जाए तो व्यवहार है ना वो समय के साथ जो है दोस्तों वो बदलता रहता है ठीक है ना तो समझे अधिगम क्या होता है हम ये समझ रहे थे अभी तक हमने क्या समझा कि हमारा जो मन है वो एक ऊर्जा है वो ऊर्जा ईश्वर ने हमें दी है उस ऊर्जा में से 10 एनर्जी ऐसी है जिसको हम यूज कर सकते हैं है ठीक है ना चेतन मन के ऊपर स्टडी किसने किया अचेतन मन के ऊपर स्टडी किसने किया इसके ऊपर हम अलग क्लास में डिस्कस कर लेंगे आज हम केवल अधिगम के विषय में डिस्कस कर रहे ठीक है तो सुने अधिगम अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना सीखना अब सीखने की सबसे पहली कंडीशन क्या है अक्सर कर हम क्या करते हैं कि कोई किताब लिया उसको दो बार पढ़ा और हम सोचते हैं कि हम सीख गए तो क्या यह सीखना है नहीं दोस्तों सीखने की सबसे पहली कंडीशन है कि हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए परिवर्तन सीखने की सबसे पहली कंडीशन है कि हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए परिवर्तन ठीक है ना अब व्यवहार में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ व्यवहार किसे कहते हैं कि किसी भी प्राणी के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया जो उसके मन के द्वारा नियंत्रित होती है वो क्या कहलाती है व्यवहार कहलाती है तो व्यवहार केवल वो नहीं है जो यहां से प्रदर्शित हो रहा है व्यवहार मेरी क्रिया भी है मेरे मन के विचार भी है बात समझ में आ रही है ना हम अक्सर कर व्यवहार समझते हैं यार इस इंसान का व्यवहार खराब है हम अक्सर कर व्यवहार उसे समझते हैं जो व्यवहार यहां से प्रदर्शित हो रहा है कई बार मैंने भी और आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे जिनके अंदर कुछ अलग होता है लेकिन बाहर से इतना अच्छा प्रदर्शित करते हैं बहुत अच्छा तो मैं मानता हूं कि वो लोग उनको पसंद भी करते हैं लेकिन मैं मानता हूं कि उनका पर्सनैलिटी एक अच्छा पर्सनैलिटी नहीं है और एक विशुद्ध व्यवहार नहीं है उनका अच्छा व्यवहार वो होता है जो मन में जो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जो भी है वो यहां से अगर प्रदर्शित हो रहा है तो वो एक अच्छा स्वस्थ व्यवहार होता है ठीक है ना तो समझना व्यवहार क्या होता है समझ आया आपको तो मैंने कहा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है मतलब क्या हुआ कि ये एक व्यक्ति है ये व्यक्ति का मन है और मन में क्या चल रहे हैं दोस्तों विचार मन में क्या चल रहे हैं विचार और ये मेरा शरीर है शरीर क्या कर रहा है क्रिया और अगर कोई क्रिया मन के विचारों के अनुसार हो रही है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी व्यवहार कहलाएगी बात समझ में आई उसी को गीता दर्शन में क्या कहा है कर्म कहा है बात समझ में आई ये अब मेरा मन दो है चेतन मन और अचेतन मन चेतन मन से भी कंट्रोल हो सकता है मेरा व्यवहार और अचेतन मन से भी कंट्रोल हो सकता है अगर मेरा व्यवहार चेतन मन से कंट्रोल हो रहा है ठीक है ना तो वो वो मेरे नियंत्रण में होगा लेकिन अचेतन मन से कंट्रोल हो रहा है तो वो मेरे नियंत्रण में नहीं होगा ये बात समझ में आई व्यवहार में परिवर्तन जो है वो दो तरह से हो सकता है कितने तरह से हो सकता है दो तरह से यहां लिख लू दो तरह से हो सकता है एक तो हो सकता है अचेतन मन के द्वारा ठीक है और एक हो सकता है चेतन मन के द्वारा बात समझ में आई अब मैंने आपको बताया था इसको हटा रहा हूं मैं मैंने आपको बताया था कि जो चेतन मन के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं वो तो हम करते हैं तब होते हैं और जो अचेतन मन के द्वारा परिवर्तन होते हैं वो तो स्वयं स्वतः स्वाभाविक होते हैं ठीक है ना एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी दाढ़ी मुझे नहीं आती लेकिन जब वो अठारह वर्ष का होता है सत्रह अठारह उन्नीस वर्ष का होता है तो उसकी दाढ़ी आ जाती है तो ये परिवर्तन एक अचेतन मन के द्वारा होने वाला परिवर्तन है ऐसे परिवर्तन जो स्वयं स्वतः स्वाभाविक अपने आप होते हैं निश्चित उम्र पर स्वतः ही हो जाते हैं वो परिवर्तन किसके द्वारा होते हैं अचेतन मन के द्वारा होते हैं ठीक है ना अच्छा एक चीज और समझना कोई भी परिवर्तन होता है ना कोई भी परिवर्तन होता है तो वो तीन तरह से होता है पहले होगा वो अस्थाई ठीक है ना जैसे मान लो कोई इंसान बहुत सत्यवादी है और उसने पिछले दस साल से कभी झूठ नहीं बोला और आज उसने झूठ बोल दिया और फिर पांच साल तक कभी झूठ नहीं बोला तो उसमें जो एक दिन का झूठ बोलने का व्यवहार था ना वो हुआ तो सही लेकिन वो परिवर्तन कैसा था स्थाई था ठीक है ना अगर वो 10 20 50 दिन झूठ बोलता है तो वो परिवर्तन धीरे धीरे कैसा हो जाएगा अपेक्षाकृत स्थाई कैसा हो जाएगा अपेक्षाकृत स्थाई और जब सौ दो सौ दिन या रोजाना ही लगभग झूठ बोल रहा है तो वो व्यवहार अब कैसा हो जाएगा उसका स्थाई व्यवहार हो जाएगा ठीक है ना बात समझ में आई व्यवहार जो है वो पहले अस्थायी होगा फिर अपेक्षाकृत स्थाई होगा फिर स्थाई होगा ठीक है ना अच्छा ये अपेक्षाकृत स्थाई या स्थाई हो रहा है या किसके द्वारा हो रहा है इसके लिए दो चीज जिम्मेदार है एक तो अनुभव क्या दोस्तों अनुभव और एक दोस्तों क्या अभ्यास ठीक है ना अभ्यास बात समझ में आई अनुभव का मतलब जैसे अभी मैं आप लोगों को, को कोई कंटेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप मेरे एक्सपीरियंस का लाभ उठा रहे हैं आप 10 20 50 100 200 बार इस एक्सपीरियंस का लाभ उठाएंगे तो आप में परिवर्तन आएगा ठीक है ना आप इस वीडियो को 20 बार देखोगे तो आप में परिवर्तन डेफिनेटली आएगा ठीक है ना अभ्यास का मतलब है कि आप अगर किसी चीज को लिखने का अभ्यास कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है ना और उसको आप दस बीस पचास बार करोगे तो धीरे धीरे आप में वो परिवर्तन स्थायी होगा बात समझ में आई आप जब कोई भी इंसान पहली बार रोटियां बनाता है तो उसकी रोटियों का आकार कभी गोल नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करता है तो वो रोटियां बहुत अच्छी सुंदर बनती हैं बात समझ में आई कहने का मतलब अभ्यास जो है वो व्यवहार को पहले अस्थाई होता है फिर अभ्यास करोगे अपेक्षाकृत तो स्थाई हो जाएगा व्यवहार है वो तो हमारे नियंत्रण में है ठीक है ना और अचेतन मन का व्यवहार वो हमारे नियंत्रण में नहीं है ठीक है ना इसको मैं यहां से हटा रहा हूं ठीक है समझे चेतन मन का जो व्यवहार है वो हमारे नियंत्रण में है लेकिन अचेतन मन का व्यवहार हमारे नियंत्रण में नहीं है अचेतन मन का व्यवहार जब भी होगा वो हंड्रेड परसेंट स्थाई ही होगा वो कभी भी अपेक्षाकृत अपेक्षाई नहीं होगा ऐसा नहीं है कि आपकी दाढ़ी आ गई अपेक्षाकृत स्थाई आई है फिर नहीं ये मतलब कोई चीज आपके अंदर चेंज नेचुरली हो गया तो वो परमानेंटली हो गया तो अचेतन मन के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं स्थाई परिवर्तन होते हैं और वो परिवर्तन बिना अनुभव अभ्यास के होते हैं उसमें अनुभव या अभ्यास की कोई जरूरत नहीं पड़ती है बिना अनुभव अभ्यास के होते हैं ठीक है ना लेकिन जो चेतन मन के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं वो पहले कैसे होंगे अस्थाई फिर कैसे होंगे वो अपेक्षा फिर और प्रैक्टिस करोगे तो अपेक्षाकृत स्थाई कैसे दोस्तों अपेक्षाकृत स्थाई फिर और करोगे तो स्थाई बात समझ में आई तो पहले ऐसे होगा फिर और प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे होगा फिर और प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये किससे हो रही हैं? अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप अगर आप अनुभव अभ्यास करोगे तो ही हो रही हैं। अनुभव एवं अभ्यास के परिणाम स्वरूप इसमें अनुभव अभ्यास किया जा रहा है बात समझ में आ रही है इसमें अनुभव अभ्यास किया जा रहा है बात समझ आई तो बात यह बनी कि चेतन मन के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन अनुभव अभ्यास के द्वारा होते हैं पहले वो अस्थाई होते हैं फिर धीरे दीर धीरे आप उसको दोहराते जाएंगे तो अपेक्षाकृत स्थाई होते हैं फिर और दोहराते जाएंगे तो वो स्थाई होते हैं जब वो परिवर्तन अस्थाई होते हैं तो वो स्थिति अधिगम नहीं कहलाती है जब वो परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थाई होते हैं इस स्थिति को हम क्या कहेंगे दोस्तों अधिगम कहेंगे क्या कहेंगे अधिगम बात समझ में आई इस स्थिति को क्या कहेंगे हम अधिगम आप यह कहेंगे कि सर स्थाई इस्त, स्थिति को क्या कहेंगे देखो स्थाई स्थिति एक व्यक्ति की योग्यता बन गई क्या बन गई योग्यता एबिलिटी बन गई और योग्यता को हम बोलते हैं बुद्धि किसी भी कार्य को करने की योग्यता ही बुद्धि है ठीक है ना तो यह अधिगम से आगे की बात चली गई अधिगम यानी सीखना क्या होता है कि कोई चीज आपको नहीं आती से आ गई आपको कार चलाना नहीं आता और आपको कार चलाना आ गया ठीक है ना आपको कार चलाना नहीं आता से कार चलाना आ गया के बीच का प्रोसेस अधिगम है बात समझ में ही आपको रोटियां बनाना नहीं आता से आ गया मतलब आपने थोड़ा अनुभव ब्यास कि आपको आ गया तो अधिगम जो होता है वो हमेशा अपेक्षाकृत स्थाई परिवर्तन को ही कहते हैं ठीक है ना स्थाई परिवर्तन अधिगम से एक कदम आगे की बात हो गई मतलब अब वो आपके अंदर स्थाई परिवर्तन हो गया मतलब आपके अंदर एक एक एबिलिटी बन बन गई एक बन गई योग्यता योग्यता दक्षता दक्षता इस या को हम लोग क्या बोलेंगे इंटेलिजेंस बोलेंगे बुद्धि बोलेंगे बात समझ में आई ठीक है ना तो पहली बात तो आपको यह समझनी है कि अधिगम हमेशा किस मन से होता है चेतन मन से होता है अचेतन मन के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं वो स्थाई होते हैं वो बिना अनुभव अभ्यास के होते हैं और इन परिवर्तनों को हम कहते हैं परिपक्वता क्या कहते हैं दोस्तों परिपक्वता ठीक है ना मैच्योरिटी तो सवाल यह आया कि अधिगम किसे कहते हैं अधिगम का डेफिनेशन बना कि अनुभव एवं अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो चेतन मन के परिणाम स्वरूप हुआ हो ऐसे व्यवहारिक परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे अधिगम ठीक है ना और दूसरा शब्द बना परिपक्वता अनुभव और अभ्यास के बिना यानी अभ्यास परिपक्वता में कभी भी अनुभव अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है ना आप अगर कोई अनुभव अभ्यास नहीं करोगे तो भी आप जो है उम्र आपकी बढ़ेगी आप 40 साल के होंगे आप 50 साल के होंगे आप 60 साल के होंगे आप कोई अनुभव अभ्यास नहीं करेंगे लेकिन अगर आप कोई अनुभव अभ्यास नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं बनेंगे एक अच्छे लर्नर नहीं बनेंगे आप किसी चीज को नहीं सीखेंगे तो सीखने के लिए अनुभव अभ्यास जरूरी है जबकि परिपक्वता के लिए अनुभव अभ्यास आवश्यक नहीं है बात समझ में आई तो बिना अनुभव अभ्यास के अचेतन मन के द्वारा जो स्थाई परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों को क्या कहेंगे परिपक्वता ठीक है और अनुभव अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थाई परिवर्तन जो व्यक्ति के चेतन मन के द्वारा हुआ है वो क्या कहलाएगा अधिगम बात समझ में आई अब सवाल यह है कि अधिगम किस मन से होता है क्या अचेतन मन के द्वारा होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहेंगे नहीं ठीक है ना ऐसा परिवर्तन तो जो चेतन मन के द्वारा हुआ है वही परिवर्तन अधिगम कहलाएगा बात समझ में आई और जो परिवर्तन अचेतन मन के द्वारा हुआ है स्वयं हुआ है स्वतः हुआ है वो परिवर्तन क्या कहलाएगा वो कहलाएगा परिपक्वता ठीक है ना तो ये आप लोगों को समझ आया तो अधिगम का क्या डेफिनेशन बना अनुभव एवं अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थाई परिवर्तन जो चेतन मन के द्वारा हुआ हो ऐसे अपेक्षाकृत स्थाई परिवर्तन को अधिगम कहते हैं ठीक है ना परिपक्वता क्या होता है व्यवहार में होने वाले वो परिवर्तन जो स्वयं स्वतः स्वाभाविक परिपक्वता कहलाते हैं, हैं। बात समझ में आई ठीक है ना ये आप लोगों को ध्यान रखना है एक मैं और छोटा सा कंटेंट आपको समझा देता हूं देखो कोई भी बच्चा होता है ना ठीक है कोई भी बच्चा होता है उसका पहले जन्म हुआ ठीक है और गर्भावस्था से इवन ठीक है गर्भावस्था में जब वो आता है तो उसके शरीर में ऑटोमेटिकली क्या शुरू हो जाती है वृद्धि शुरू हो जाती है ग्रोथ शुरू हो जाती है बच्चे का ऑटोमेटिक ठीक है ना आप ध्यान रखना जो चीज अपने आप होती है वो अचेतन मन से हो रही है जो हम कर रहे हैं वो चेतन मन से तो वृद्धि अपने आप होती है इसलिए अचेतन मन के द्वारा होती है बात समझ में आ रही है ठीक है ना फिर बच्चा जब बड़ा होगा तो धीरे धीरे वो मैच्योर भी होगा परपक्व तो परपक्वता भी स्वतः होती है अपने आप होती है इसलिए परपक्वता भी कौन से मन से हो रही है अचेतन मन के द्वारा हो रही है ठीक है ना फिर जब बच्चा परपक्व हो जाएगा तब हम उसको क्या कराएंगे अधिगम देता हूं अगर आपको एग्जाम में सवाल आता है कि यदि एक बालक यदि एक बालक छह महीने का है और वह चल नहीं पाता लेकिन वो बालक दो वर्ष का हो गया और वो चलने लगा तो ये क्या कहलाएगा अधिगम कहलाएगा परिपक्वता कहलाएगा वृद्धि कहलाएगा या विकास कहलाएगा तो ये एक बच्चा जब छह महीने का था तो चल नहीं पाता था दो वर्ष का हो गया तो चलने लगा इसका मतलब यह कि छह वर्ष का बच्चा शारीरिक रूप से चलने के लिए परपक्व नहीं था अब दो वर्ष का बच्चा शारीरिक रूप से चलने के लिए परपक्व हो गया तो यह क्या किसके कारण ऐसा हुआ परपक्वता के कारण ऐसा हुआ ठीक है ना लेकिन यही सवाल ऐसे आए कि एक बच्चा जब दो वर्ष का था तो चलता था और अब वो बच्चा चार वर्ष का हो गया है और बहुत स्टाइलिश चलता है तो स्टाइलिश चलना अधिगम हो गया। बात समझ में आई तो चलना मतलब तो जो क्रिया एक उम्र पर आकर होनी ही होनी है ठीक है ना तो वो क्रिया क्या, क्या कहलाएगी परपक्वता क्लियर हुआ तो एक बच्चे का पहले ग्रोथ हुआ वृद्धि हुआ वृद्धि के बाद उस बच्चे में मेच्योरिटी यानी परिपक्वता आएगी परिपक्वता के बाद हम बच्चे को अधिगम कराएंगे चेतन मन से उसको सिखाएंगे और सिखाएंगे तो धीरे धीरे बच्चे का क्या होगा दोस्तों विकास होगा यह पूरा क्रम है विकास का बात समझ में आप सब परिपक्व हैं आपको अधिगम करना है आपको सीखना है और सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा विकास होगा अब सीखना क्या होता है यह समझने के लिए अधिगम क्या होता है अधिगम सीखने को कहते हैं सीखने की पहली शर्त है व्यवहार में परिवर्तन व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वो चेतन मन से भी होता है और अचेतन मन से भी होता है चेतन मन के द्वारा होने वाला परिवर्तन पहले अस्थायी होगा फिर प्रैक्टिस करेंगे अनुभव अभ्यास करेंगे अपेक्षा करते अस्थायी होगा फिर प्रैक्टिस करेंगे तो स्थायी होगा तो हम अस्थायी परिवर्तन को भी अधिगम नहीं कहते हैं हम स्थाई परिवर्तन को भी अधिगम नहीं कहेंगे ये अधिगम से पीछे की बात रह गई ये अधिगम से आगे की बात हो गई ठीक है ना अधिगम हमेशा अपेक्षाकृत स्थाई परिवर्तन को कहते हैं और वो अपेक्षाकृत स्थाई परिवर्तन किससे होता अनुभव और अभ्यास के द्वारा ठीक है ना अच्छा अचेतन मन के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं वो ही कैसा होगा स्थायी होगा ठीक है ना और वो अनुभव और अभ्यास के बिना होगा उसके लिए अनुभव अभ्यास की जरूरत नहीं है अच्छा परिवर्तन एक तरीके से और हो जाते हैं कई बार चोट लगने पर भी परिवर्तन हो जाते हैं कोई इंसान का एक्सीडेंट हो गया और उसका एक हाथ में प्रॉब्लम हो गया एक पैर में प्रॉब्लम हो गया ठीक है ना तो चोट या बीमारी के कारण जो परिवर्तन होते हैं वो ना अधिगम होते हैं ना परपकता होते हैं परिवर्तन तो होते हैं तो सवाल यह भी आएगा कि क्या व्यवहार में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन अधिगम होगा नहीं व्यवहार में होने वाले वो परिवर्तन जो चोट लगने के कारण हो रहे हैं बीमारी होने के कारण हो रहे हैं वो परिवर्तन अधिगम नहीं होंगे पहली बात दूसरा व्यवहार में होने वाले वो परिवर्तन जो चेतन मन के द्वारा स्वयं स्वतः हो रहे हैं वो अधिगम होंगे नहीं वो अधिगम नहीं होंगे वो परपक्ता कहलाएंगे ठीक है ना तीसरा व्यवहार में होने वाले वो परिवर्तन जो चेतन मन के द्वारा हो रहे हैं और अस्थाई परिवर्तन भी अधिगम नहीं होंगे क्या व्यवहार में होने वाले वो परिवर्तन जो चेतन मन से हो रहे हैं और अब अस्थायी हो रहे हैं बहुत स्थायी हो रहे हैं तो क्या वो परिवर्तन अधिगम होंगे वो भी अधिगम से आगे की बात चली गई ठीक है ना अधिगम किसको कहेंगे व्यवहार में होने वाले वो परिवर्तन जो चेतन मन से हुए और अपेक्षाकृत स्थाई हुए और अनुभव और, तो और अभ्यास के द्वारा हुए हैं ठीक है ना वो परिवर्तन क्या कहलाएंगे दोस्तों लर्निंग कहलाएंगे अधिगम कहलाएंगे बात समझ में आई तो अधिगम का क्या डेफिनेशन बना अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थाई परिवर्तन क्या कहलाएगा दोस्तों अधिगम कहलाएगा आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ठीक है ना तो आज इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे ठीक है और आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा क्या डेफिनेशन बना अनुभव एवं अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थाई परिवर्तन अधिगम कहलाएगा ठीक है ना ये आपने ध्यान रखना है जो किसके द्वारा हुआ हो चेतन मन के द्वारा हुआ हो और उसमें अनुभव अभ्यास किया गया हो ठीक है ना अधिगम से संबंधित ठीक है आगे की जो चीजें हैं मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा ठीक है ना आपको हमारे वीडियोस किस प्रकार के लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक है तो इस क्लास में इतना ही फिर मिलता हूं आपसे नमस्कार थैंक यू